हेलो दोस्तों, अन्नपूर्णा किचन में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ गीता। दोस्तों, आज हम बनाएंगे बेसन का सब्जी। सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पर ली है कटी हुई प्याज, कटी हुई टमाटर, साथ में ली है दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, कटी हुई धनिया और 2 कटी हुई हरी मिर्च। हमने यहाँ पर एक बोल ली है, इसमें लेंगे एक बोल बेसन। बेसन में डालेंगे चुटकी भर हल्दी, रेड चिल्ली पाउडर, थोड़ा सा नमक, फिर इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच अजवाइन को क्रश करके बेसन में डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम एक बैटर बनाएंगे। 2 से 3 मिनट तक बेसन को हम फेंट कर साइड कर देंगे। यहाँ पर एक ग्लास को ऑयल ग्रीस करके ली है, इसमें डालेंगे बेसन का बैटर। यहाँ पर एक पतीला में पानी चढ़ा ली है और इसमें बेसन का बैटर को डाल के 4 से 5 मिनट के लिए हम स्टीम कर देंगे। पाँच मिनट के बाद बेसन अच्छी तरह से स्टीम हो चुकी है। यहाँ पर एक बर्तन में बर्फ का पानी ली है, इसमें स्टीम हुई बेसन को हम इसके ऊपर रख देंगे ताकि ठंडी होकर अच्छी तरह से घुल जाए। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई चढ़ा ली है, इसमें डालेंगे सरसों का तेल। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए इसमें डालेंगे 1 तेजपत्ता, 1 हरी इलायची, 1 टुकड़े दालचीनी, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 सूखी मिर्च और कटी हुई मिर्च। फिर इसमें डालेंगे 1 पिंच हींग। अब प्याज को हम थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे भी 1 मिनट के लिए हम भुनेंगे। अब इसमें डालेंगे सारे बेसिक मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर। सारे मसाले को हम थोड़ी देर के लिए भून देंगे। फिर इसमें डालेंगे कटी हुई टमाटर। अब इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। टमाटर को हम 1 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे ताकि इसे अच्छी तरह से ये गल जाए। अब इसमें डालेंगे फेटी हुई दही। दही डालने के बाद हम इसे ऐसे ही लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो दही फट सकती है। अब सारे मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, इसमें डालेंगे हम थोड़ा थोड़ा पानी। स्टीम हुई बेसन अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है। बेसन का हम कट लगाएंगे। मैंने यहाँ पर इसे स्लाइस कर लगाऊंगी। पतले पतले स्लाइस कर लगाऊंगी। स्लाइस कटी हुई बेसन को हम ग्रेवी में डाल देंगे।
अब इसे हम पकने के लिए 2 मिनट ढककर पकाएंगे। अब हमारा रेडी हो चुकी है बेसन का सब्जी। अब इसमें डालेंगे कटी हुई धनिया। है ना, बनाना कितना आसान। अब इसे हम सर्व करने चलेंगे। यहाँ पर एक प्लेट ली है, इसे हम सर्व करेंगे। आप भी इस प्रोसेस में एक बार ज़रूर बना के ट्राई करना। आप तक कई प्रोसेस में बेसन की सब्जी बनाई होंगी, इस प्रोसेस में एक बार ज़रूर बना के देखना। ये बनाने में जितना आसान है, खाने में भी इतना टेस्टी है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना।